नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यावरण का पार्ट देखेंगे, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी क्या होता है और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम क्या होता है। दोनों के बारे में एकदम हम सही से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों देखिए, पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं और इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो इको और दूसरा लॉजी। और लॉजी कहीं पर भी लिखा रहे उसका मतलब आपको पता है कि इसका मतलब है स्टडी या अध्ययन। अब देखिए, इको को क्या कहते हैं, तो इको का मतलब होता है जीवों का आवास। क्या होता है? जीवों का आवास, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के आवास के बारे में अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब जैसे देखिए, जीवों के आवास के बारे में बात करता है, तो जैसे शेर का आवास उसका जंगल होता है या गुफा होती है, सांप का आवास जो होता है बिल होता है कि नहीं, वैसे ही जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है जेब्रा, तो जेब्रा का आवास भी क्या होता है, जंगल होता है। दीमक का आवास जो है इस तरीके का पत्थर या पेड़ पौधे होते हैं। वैसे चिड़ियों का आवास जो है घोंसला होता है, जो पेड़ों पर बना होता है, ठीक है। इसी तरीके से हर जानवर का, जैसे कोई कोई जानवर रहता है जो पानी में रहता है, कहने का मतलब मछली का आवास क्या होता है, जल होता है। वैसे आर्कटिक लोमड़ी का आवास जो होता है बर्फ का घर होता है, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में कई जानवर रहते हैं जो जिनका आवास बर्फ का घर होता है। तो इस तरीके से अलग अलग जानवर, अलग अलग पक्षी अर्थात अलग अलग जीवों का आवास अलग अलग होता है, और उन्हीं जीवों के आवास के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए एक आवास की बात करें हम जंगल, तो जंगल भी एक क्या है, आवास है। तालाब की बात करें, तालाब भी क्या है, आवास है। अब देखिए, इस जंगल में कुछ जैविक घटक भी रहते हैं और कुछ अजैविक घटक भी रहते हैं, और उन जैविक अजैविक घटकों में संबंध होता है और उनका संबंध वातावरण से होता है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, सारे के सारे आवास के बारे में जब बात किया जाएगा तो उसी को हम पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम कह देते हैं। अब देखिए क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है वातावरण और यहाँ पे जो आवास है उस आवास में जीवों के समुदाय रहते हैं। जीवों के समुदाय का मतलब ये है कि जैसे इसमें पेड़ रहते हैं, तो पेड़ बहुत सारे पेड़ रहते हैं अर्थात पेड़ों का एक समुदाय रहता है। मछलियाँ रहती हैं तो बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं अर्थात मछलियों का समुदाय रहता है। चिड़िया रहती है तो बहुत सारी चिड़िया रहती है अर्थात चिड़ियों का समुदाय रहता है। शेर रहते हैं तो बहुत सारे शेर रहते हैं अर्थात शेरों का समुदाय रहता है। कहने का मतलब ये है कि इसी जीव समुदाय का वातावरण से जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। आपको बस दो शब्द याद रखना है, एक ये याद रखना है कि यह वातावरण और एक जीव समुदाय, वातावरण और जीव समुदाय के बीच में जो भी संबंध होता है, जो भी पारस्परिक संबंध होता है, जो भी दोनों में इंटरैक्शन या अन्योन क्रिया होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम इकोलॉजी कह देते हैं। और इकोलॉजी, अब जीव समुदाय रहते कहाँ हैं, आवास में रहते हैं, या आप डायरेक्ट कह दीजिए कि जीवों के आवास के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे संबंध क्या है, इस वातावरण और इस जीव समुदाय के बीच में संबंध क्या है बताइए। जैसे वातावरण देखिए, जैसे वातावरण में अगर गर्मी है तो जो खरगोश रहते हैं या जो शेर रहते हैं या जो भी अन्य जंतु रहते हैं, नील गाय रहते हैं, ये सब गर्मी में छाया खोजते हैं। क्या खोजते हैं, छाया। तो देखिए, इस वातावरण से इन जीवों का कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं, कुछ अन्योन क्रिया इंटरैक्शन हो रहा है, कुछ पारस्परिक संबंध है कि नहीं, है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं,
इकोलॉजी का देते हैं, ठीक है। या आप देखिए ठंडी पड़ रही है, अगर ठंडी पड़ रही है तो ये सारे के सारे जानवर जो है ठंडी में तापमान कम होने के कारण धूप खोजते हैं। क्या खोजते हैं? धूप खोजते हैं। तो बताइए इस वातावरण से इन जीवों का संबंध है कि नहीं है? है। तो जब संबंध है, इंटरैक्शन है, तो उसी को आप क्या कहेंगे? उसी को आप इकोलॉजी कहेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि जीवों के आपसी संबंध तथा उनका वातावरण से जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। जैसे देखिए पेड़ पौधे हैं, खरगोश पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, शेर जो होता है वो खरगोश पर निर्भर करता है, ठीक है। चिड़िया जो होती है इसी जंगल में जो पानी होगा, तालाब होगा, पोखरा होगा, उस पर निर्भर करेगा, ऑक्सीजन पर निर्भर करेगी। इस तरीके से देखिए इनमें आपसी संबंध भी होता है। तो जीवों में आपसी संबंध और वातावरण का उनसे संबंध को भी हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहेंगे। और या तो आप कहिए कि वातावरण और जीव समुदाय के बीच में जो भी पारस्परिक संबंध है उसे हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। या तीसरी परिभाषा आप दे सकते हैं कि ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीवों के घर या आवास के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है, या इकोलॉजी। वैसे ही देखिए एक तालाब है आवास, तो तालाब अगर आवास है तो इसमें कीड़ों को कौन खाता है? छोटी मछलियाँ। छोटी मछलियाँ शाकाहारी होती हैं, उन्हें कौन मछलियाँ खा जाती हैं? बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। तो देखिए इन मछलियों का पानी से भी संबंध है और इन मछलियों का छोटी मछलियों और कीटों से भी संबंध है। अर्थात जीवों के आपसी संबंध, जीवों के बीच में आपसी संबंध है और इनका कुछ न कुछ वातावरण से भी क्या होगा? संबंध होगा। अब वातावरण से क्या संबंध होगा? जैसे मान लीजिए तालाब है, खूब धूप पड़ रहा है, तालाब के ऊपरी सतह पर खूब गर्मी है, तो मछलियाँ कहाँ पर चली जाती हैं? नीचे जो है तालाब के एकदम निचली सतह पे जहाँ पानी ठंडा रहता है वहाँ पे चली जाती हैं। देखिए वातावरण से संबंध है कि नहीं है? है। तो वातावरण से संबंध है अर्थात जीवों के आपसी संबंध तथा उनका वातावरण से जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को हम इको सिस्टम कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। या आप कह दीजिए कि जीव समुदाय, जैसे छोटी मछलियों का समुदाय, बड़ी मछलियों का समुदाय, कीड़ों का समुदाय, घासों का समुदाय, जोंक का समुदाय, तो जीव समुदाय और वातावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे उसकी परिभाषा दी गई है कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आ जाएगा पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र या इको सिस्टम। तो देखिए इको सिस्टम क्या होता है? तो इको सिस्टम में बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे बात करेगा किसी क्षेत्र विशेष की बात करेगा। जैसे यहाँ पे पूरे जीवों के आवास के बारे में एक ही साथ अध्ययन किया जाता था, चाहे जंगल हो, चाहे तालाब हो, चाहे महासागर हो, चाहे सागर हो, चाहे सदाबहार वन हो, कुछ भी हो, सारे के सारे जीवों का एक ही साथ अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र विशेष केवल जंगल के बारे में बात किया जाएगा तब यह आ जाएगा कहाँ पे? परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में। यहाँ पे किसी विशेष क्षेत्र की बात करेंगे, अगर आप जंगल की बात कर रहे हैं तो केवल जंगल की बात करेंगे, तब आपको महासागर से कोई मतलब नहीं, तब आपको सागर से कोई मतलब नहीं, तब आपको तालाब से कोई मतलब नहीं, तब आपको वन से कोई मतलब नहीं, तब आपको खेत खलिहान से कोई मतलब नहीं। अर्थात जब जंगल की बात करेंगे, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष की बात करेंगे, तब वहाँ पे पारिस्थिति या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। अब देखिए क्या होगा, जैसे किसी क्षेत्र विशेष की बात करें तो क्षेत्र विशेष क्या हो गया? जंगल हो गया। तो जंगल में कुछ जैविक घटक और कुछ अजैविक घटक भी होते हैं और उसमें पारस्परिक संबंध भी होता है, तो इसी को तो हम क्या कहते थे? पारिस्थितिकी कहते थे। लेकिन जब सारे के सारे आवास के बारे में एक बार में ही अध्ययन करते थे तब पारिस्थितिकी कहते थे, लेकिन अब केवल क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष मतलब केवल जंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि जंगल में जो जैविक अजैविक घटकों के बीच में पारस्परिक संबंध पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं, तथा इनका वातावरण या पर्यावरण से जो भी संबंध होता है उसी को हम परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक।
अगर हम जंगल की बात कर रहे हैं तो महासागर की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जंगल में कुछ जैविक घटक और कुछ अजैविक घटक होते हैं, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जंगल में जैविक घटक पेड़ पौधे होते हैं कि नहीं? होते हैं। और अजैविक घटक की अगर बात किया जाए तो अजैविक घटक में मान लीजिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि नहीं? होता है। तो इस पेड़ पौधों का ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड से संबंध होता है कि नहीं? होता है। तो जंगल में जो जैविक और अजैविक के बीच में पारस्परिक संबंध पाया जा रहा है या कोई विशेष क्षेत्र है तो उसी को आप क्या कह देते हैं? परितंत्र कह देते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए जंगल में चिड़िया पाई जाती है कि नहीं? पाई जाती है। जंगल में चिड़िया पाई जाती है और जंगल में पाया जाता है क्या? जंगल में ही पाया जाता है पानी या कीट। तो चिड़िया जो है पानी पीती है, अर्थात जैविक घटक का अजैविक घटक के बीच में संबंध है। तो अगर कहीं पर भी किसी विशेष क्षेत्र में जैविक घटक का अजैविक घटक से संबंध है तो इसका मतलब वह होगा क्या? इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र होगा। वैसे देखिए महासागर है तो महासागर में जैविक घटक क्या होगा? मछलियाँ होंगी। और अजैविक घटक क्या होगा? जल होगा। बताइए मछली और जल के बीच में पारस्परिक संबंध है कि नहीं? है। मछली जल के द्वारा ही जीवित रहती है, अर्थात पारस्परिक संबंध है। तो किसी क्षेत्र विशेष, अब यह महासागर एक क्षेत्र विशेष हो गया, उसमें जैविक और अजैविक घटक के बीच में पारस्परिक संबंध है, इसका मतलब है कि यह एक पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी को कहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, इसी को एक संगठनात्मक इकाई भी कहते हैं, इसी को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, और इसी को एक प्राकृतिक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन नामों से जानते हैं, एक संगठनात्मक इकाई, एक क्रियात्मक इकाई और एक प्राकृतिक इकाई। तीन नामों से जानते हैं किसको? इको सिस्टम को। देखिए इको सिस्टम में जो कुछ भी रहेगा, जो कुछ भी जैविक अजैविक घटक रहेगा, सब प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, इसलिए इसे प्राकृतिक इकाई कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, जैविक और अजैविक के बीच में जो संबंध रहता है, जो क्रिया रहता है, जो पारस्परिक संबंध रहता है, वह एक क्रिया के रूप में होता है, इसीलिए इसको हम क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जैसे यहाँ पे मछली है और यहाँ पे जल है, तो मछली और जल के बीच में कोई ना कोई क्रिया होगी, तभी वह जिंदा रहेंगे, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और कोई भी परितंत्र आप लीजिए, उसमें कई सारे जीव जंतु वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अर्थात एक संगठन के रूप में होती हैं, इसलिए इसे संगठनात्मक इकाई कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि संगठनात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र को। कि क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र को। प्राकृतिक इकाई किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक इकाई भी परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं। और यह प्राकृतिक इकाई वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के तीनों को आपको याद रखना है कि एक संगठनात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई या प्राकृतिक इकाई कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, परिभाषा आ गई, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया। कब किया? तो 1935 में किया। और इसकी परिभाषा में देखिए, आपको एक चीज़ हमने पहले ही बता दिया कि क्षेत्र विशेष जरूर मिलेगा। तो एक क्षेत्र विशेष में जैविक तथा अजैविक घटक के मध्य एक संबंध पाया जाता है, इसी पारस्परिक संबंध को इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे महासागर, तो आप देखिए उदाहरण को लीजिए, लेकिन उदाहरण को प्रूफ करिए। जैसे देखिए महासागर, तो महासागर एक क्षेत्र विशेष है, इसमें कुछ जैविक घटक और कुछ अजैविक घटक पाए जाएंगे। तो देखिए जैविक घटक में हो जाएगी मछली और अजैविक घटक में हो जाएगा पानी, और मछली और पानी के बीच कुछ संबंध है कि नहीं? है। तो इसका मतलब यह क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम है। ठीक, उसके बाद देखिए सागर भी है, तो सागर में भी मछली पाई जाती है और जल पाया जाता है, और मछली और जल के बीच में संबंध है, इसका मतलब जैविक और अजैविक घटक के बीच में एक संबंध पाया जा रहा है, यह एक क्षेत्र विशेष है, इसे हम क्या कहेंगे? परितंत्र कह सकते हैं। वैसे ही देखिए एक जंगल है, तो जंगल है, तो जंगल में भी कुछ अजैविक और जैविक घटक पाए जाएंगे, और जंगल एक क्षेत्र विशेष है, तो कुछ जैविक और अजैविक घटक में, जंगल में देखिए जैविक घटक पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं,
जिनका संबंध ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं अजैविक घटक होते हैं, जबकि पेड़ पौधे क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो जैविक घटक हैं, और जल जल पाया जाता है जो पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, ये अजैविक घटक है। और यहाँ पे अवशोषण की प्रक्रिया हो रही है, अर्थात जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच में संबंध पाया जा रहा है। तो जंगल भी एक क्या है? परितंत्र है। वैसे तालाब भी एक क्या है? परितंत्र है। नदी भी एक क्या है? परितंत्र है, इत्यादि। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र के अजैविक पर्यावरण तथा समुदायों का योग क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। अब देखिए, इकोसिस्टम से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, परितंत्र या इकोसिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहला है कि सबसे बड़ा परितंत्र या सबसे अस्थाई परितंत्र कौन है? तो सबसे बड़ा या सबसे अस्थाई परितंत्र महासागर। महासागर अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो या तो सागर होगा या तो समुद्र होगा। तो सबसे बड़ा परितंत्र कौन है? महासागर है। और सबसे अस्थाई परितंत्र भी कौन है? महासागर है। महासागर एक ऐसा होता है कि मतलब एक छोर से आप खड़े होकर देखेंगे तो दूसरे छोर पे पानी का अंत आपको दिखाई नहीं देगा, तो उसे आप महासागर कहते हैं। और यह जो है इतना अस्थाई होता है, मतलब कभी भी इस महासागर से पानी ख़त्म नहीं होगा, अर्थात इसीलिए इसे सबसे बड़ा परितंत्र और सबसे अस्थाई परितंत्र कहते हैं। सबसे अधिक विविधता रखने वाला परितंत्र कौन है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश या विषुवत रेखीय प्रदेश, या इसी को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है तो 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा मिलेगी, 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो मकर रेखा मिलेगी। और यहाँ पे चूंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, एकदम 90 डिग्री पर पड़ता है, इसलिए तापमान यहाँ पे वर्ष भर बहुत अधिक रहता है। और जहाँ पे तापमान अधिक रहता है तो वहाँ पे पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या समुद्र में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो है पानी वाष्प बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। और संघनन की प्रक्रिया के द्वारा बादल बनाता है, और वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उग जाती हैं, अर्थात जीवों में विविधता पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। तो यही पूछा है कि सबसे अधिक विविधता या जैव विविधता रखने वाला परितंत्र कौन है? तो यही उष्णकटिबंधीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या भूमध्य रेखीय प्रदेश या विषुवत रेखीय प्रदेश है। अब देखिए, जहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाएगी वहीं पे जीव जंतु वनस्पतियों का भार भी सबसे अधिक पाया जाएगा। अर्थात सबसे अधिक जैव भार रखने वाला परितंत्र कौन है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश है। उसी तरीके से एकदम सेम वही क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उत्पादकता रखने वाला परितंत्र कौन है? देखिए, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी, वहाँ का जैव भार भी ज़्यादा होगा, और वहाँ पे उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तरह तरह के जीव जंतु वनस्पतियाँ वहाँ पे उगेंगे। अर्थात सबसे अधिक उत्पादकता रखने वाला परितंत्र कौन है? भूमध्य रेखीय प्रदेश या विषुवत रेखीय प्रदेश। वैसे ही स्थल का सबसे बड़ा या सबसे सघन परितंत्र कौन है? तो वन है। देखिए, वन परितंत्र है, कैसे जानेंगे? देखिए, वन में पेड़ पौधे पाए जाते हैं कि नहीं? पाए जाते हैं। और ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो जैविक घटक अजैविक घटक के बीच में संबंध है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, अर्थात जैविक अजैविक घटक के बीच में संबंध है। इसका मतलब वन भी एक क्या है? एक परितंत्र है। और स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र, सबसे सघन परितंत्र कौन है? वन है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा कृत्रिम परितंत्र क्या है? तो तालाब है। सबसे छोटा कृत्रिम परितंत्र क्या है? तो एक्वेरियम है। और सबसे छोटा वाला कई बार पूछा भी है, एक्वेरियम को जल जीवशाला कहते हैं। और यह एक्वेरियम है जो घर में साज सज्जा के लिए, शीशे के घर में मछली पत्थर और वनस्पतियाँ। अब यहाँ पर देखिए, एक ऐसे परितंत्र होगा, देखिए इसमें मछली क्या है? जैविक घटक है। और जल क्या है? अजैविक घटक है। तो जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच में संबंध पाया जा रहा है, और यह एक विशेष क्षेत्र है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? परितंत्र कह सकते हैं। वैसे अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी या इकोसिस्टम का आतंकवादी या सामुदायिक वानिकी का आतंकवादी किस पेड़ को कहते हैं? तो यूकेलिप्टस या सफ़ेदा को, क्योंकि यह 40 से 60 लीटर जल पर डे अवशोषित कर लेता है। आम पौधे जो होते हैं अपने भार का 100 गुना
पूरे जीवन में अवशोषण करते हैं, लेकिन यह अपने भार का हजारों दो हजारों गुना जो है पानी क्या कर लेता है, सोख लेता है। अगला है, विश्व का सबसे विक्षिप्त या अनोखा परितंत्र कौन है? तो मानसूनी या पर्णपाती वन, चाहे मानसूनी वन कहिए चाहे पर्णपाती वन कहिए। जैसे यहाँ पे देखिए राधा कृष्णा की शूटिंग जहाँ पे होती है उसी को क्या कहते हैं, विक्षिप्त अनोखा। देखिए कितना अनोखा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, तो उसी को आप कहते हैं सबसे विक्षिप्त या अनोखा परितंत्र मानसूनी पर्णपाती वन होता है। अगला है, किसानों का मित्र केचुआ तथा सांप को कहते हैं। केचुआ को इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मिट्टी को अधिक उपजाऊ बना देता है, और सांप को इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चूहों को क्या करता है, खा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र या इकोसिस्टम का मित्र कौन होता है? तो तुलसी, नीम, बरगद और पीपल जो होते हैं परितंत्र का मित्र होते हैं, क्योंकि यह औषधि युक्त या दैवीय प्रजातियाँ होती हैं। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी जानकारी मिल गई। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे पारिस्थितिक की सही परिभाषा क्या है, परितंत्र की सही परिभाषा क्या है? तो हमने बताया है कि वातावरण व जीव समुदाय का संतुलित तत्व ही क्या कहलाएगा, परितंत्र कहलाएगा। और यही सेम टू सेम देखिए क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी भी कहलाता है, इकोलॉजी भी कहलाता है। किसी विशेष क्षेत्र यहाँ पे अगर दिया होता तब जाके परितंत्र का सही परिभाषा होता, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया है, तो आपको ये भी याद रखना है कि वातावरण व जीव समुदाय का संतुलित तत्व ही परितंत्र कहलाता है। उसके बाद देखिए, जैविक व अजैविक घटक के मध्य संबंध स्थापित करता है, तो कौन संबंध स्थापित करता है, अपघटक। अपघटक खुद क्या है, जैविक घटक, और खाता किसको है, मृत जीवों को, मृत पोषी है, ठीक है। तो जैविक और अजैविक घटक के बीच में संबंध कौन स्थापित करता है, अपघटक करता है। परजीवी क्या होते हैं, पर माने दूसरों पर, जिंदा रहने वाला सजीव ही परजीवी कहलाता है। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं भोजन और आवास के लिए, वो परजीवी कहलाते हैं। जैसे जोंक हुआ, एंट अमीबा हुआ, फीता कृमि हुआ, ठीक है, ये सब के सब परजीवी हैं, ठीक है। फीता कृमि जो होता है वो इंसान के अंदर सुअर का मीट आने से, जो कम पका हुआ मीट होता है वो खाने से 100 फीट यानी 30 मीटर तक का फीता टाइप बन जाता है। इसका लक्षण होता है पेट में जलन होती है, किडनी में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, कब्ज या गैस और दांत किटकिटाना भी इसका एक लक्षण है। इलाज में छाछ पीना है, करेले का रस पीना है, मूली अनार इत्यादि आप खा सकते पी सकते हैं। तो ये दोस्तों था पारिस्थितिकी ओम पारिस्थितिकी तंत्र। धन्यवाद।